MCD Recruitment 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, MCD की तरफ से निकाली गई बंपर भर्तियों के अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो दिल्ली नगर निगम की तरफ से बड़े स्तर पर आप सभी के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की तरफ से। पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। वहां से आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको जो है जॉब से EDMC का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, या फिर न्यूज एंड इवेंट पर आकर के भी आप जो है वॉक इन इंटरव्यू से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर जो भी आपकी वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है उनसे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, तो दिल्ली नगर निगम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की तरफ से वैकेंसी को रखा गया है, जिनके लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एमसीडी की रिक्रूटमेंट ये रखी गई है। बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी के ओवरव्यू के बारे में, तो आप यहाँ से इजिली चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों डिपार्टमेंट नेम के बारे में, तो देखिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी की तरफ से वैकेंसीज रखी गई हैं। पोस्ट नेम आपका कम्युनिटी वर्कर पद के लिए वैकेंसीज है। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो 3891 पदों पर ये वैकेंसीज है। जॉब्स और ऑकेशन आपकी जो है एमसीडी दिल्ली रहेगी, दिल्ली के नगर निगम में आपको जो है ये जॉब प्रोवाइड की जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जॉब कैटेगरी आपकी गवर्नमेंट जॉब रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ में ऑफिशियल वेबसाइट आपकी MCDonline.gov.in रहेगी, जिस पर जाकर के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर ले तो आप यहाँ से इजिली चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 10वीं क्लास पास कर चुके हैं, चाहे आपने किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है, तो आप कम्युनिटी वर्कर पोस्ट के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट के बारे में, तो आप यहाँ से इजिली एज लिमिट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। मिनिमम एज जो आपकी रखी गई है 18 साल रखी गई है, और मैक्सिमम एज आपकी जो है 40 साल रखी गई है। तो 40 साल तक के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की एंड OBC कैंडिडेट को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार यहाँ पर छूट प्रोवाइड की जाएगी। बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो आप यहाँ से एप्लीकेशन फीस इजिली चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस सबमिट नहीं करवानी पड़ेगी, आप फिर पोस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी एमसीडी रिक्रूटमेंट में, तो यहाँ पर आप इजिली चेक कर सकते हैं। जो आपका सैलरी पैकेज रहेगा ये 20,000 रुपए पर मंथ रहेगा, जो कि स्टार्टिंग पे स्केल रहेगा। एंड इसमें आपको जो है अदर अलाउंस और गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार जो भी अलाउंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, वो सारे अलाउंस आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो इसको अलाउंस को मिलाकर के आपकी सैलरी जो रहेगी वो काफी अच्छी खासी सैलरी बनने वाली है। बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो आपका दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है, तो देखिए आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू बेस्ड आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट करवाया जाएगा। हाउ टू अप्लाई के बारे में आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप जो है इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ओपनिंग रखी गई है, मतलब कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 3 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट आपकी 28 सितंबर 2022 रखी गई है, तो आप जो है 28 सितंबर 2022 तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और अपने एप्लीकेशन फीस सबमिट नहीं किया है, तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस सबमिट करने की डेट रहेगी 30 सितंबर 2022 रहेगी, मतलब कि 30 सितंबर 2022 तक आप अपनी एप्लीकेशन फीस भी सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई।